हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विराज वास्तु वाला चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सन इन सेकंड हाउस, उसके ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और एक बार जरूर मेरी वेबसाइट virajvastuwala.com, यहां पर आप मेरे लाइव प्रेडिक्शन देख सकते हैं, एक बार जरूर विजिट करें मेरी वेबसाइट। दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करने वाले सन इन सेकंड हाउस, उसके एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स क्या रहते हैं, उसके वास्तु के सिम्टम्स क्या रहते हैं, उसके ऊपर। तो अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो निकाल लीजिए, अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो astrosec.com, यहां पर आपकी कुंडली निकल जाएगी, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, यहां पर ये कुंडली है, मैंने एग्जांपल के तौर पर ये कुंडली ली है। तो आपको लग्न चार्ट है वो देखना है, नौ मंथ चार्ट है वो नहीं देखना है, जहां पर लग्न चार्ट लिखा है वो कुंडली देखनी है। अब आज हम बात करने वाले हैं सन इन सेकंड हाउस, ये सन है वो सेकंड हाउस में। बहुत सारे जो भी लोग नए हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर चार नंबर लिखा है तो ये तो चौथे घर में है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा होगा तो ये पहला घर ही है जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ये पहला घर ही है, ये लाइफ टाइम पहला घर ही रहेगा, ये पहला घर ही रहेगा। इसमें तीन नंबर लिखा है तो इसको राशि बोलते हैं, ये पहले घर में तीन नंबर की राशि, यानी पहले घर में मिथुन राशि। आपके वहां पर पांच नंबर लिखा तो पहले घर में सिंह राशि, तो ये सूर्य है वो कर्क राशि का है, वो सेकंड हाउस में है, ऐसा कहा जाएगा। तो आपका सूर्य है वो कोई भी राशि का हो, अगर सेकंड हाउस में होगा तो ये सारे सिम्टम्स जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारे सिम्टम्स लगेंगे। तो दोस्तों, दूसरा घर होता है वो किसका, कौन से प्लेनेट का घर होता है, तो वो जुपिटर है, वो वहां का कारक तत्व है जुपिटर के पास। एंड वहां पर चंद्र है वो उच्च का होता है, एंड वो घर है वो शुक्र का घर है, वीनस है उसका घर है। तो ये कारक तत्व है, ये यहाँ पर उच्च का होता है और शुक्र है उसका ये घर है। तो दोस्तों, सन है वो जुपिटर का फ्रेंड है, सन है वो मून का फ्रेंड है, ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है, बट सन एंड वीनस है वो एनिमी प्लेनेट है। तो इसके एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स क्या रहेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी सन है वो सेकंड हाउस में आएगा तो वो व्यक्ति, उसकी मैरिज लाइफ है वो अच्छी नहीं रहेगी, रिलेशनशिप चैलेंजेस बहुत रहेंगे ही, क्योंकि ये सेकंड हाउस है वो वीनस का भी है। तो यहाँ पर आप ऐसे वर्चुअल कनेक्शन लगा सकते हो कि सन एंड वीनस है वो कैसा रिजल्ट देंगे, तो सन एंड वीनस है तो यहाँ पर जब भी सन आएगा तो रिलेशनशिप चैलेंजेस आप 100% देखोगे। और दूसरी चीज़ है, अगर सन है वो सेकंड हाउस में है तो ये एक गवर्नमेंट जॉब का भी योग बन जाता है। तो जिसका भी सन है वो सेकंड हाउस में और वो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियस वो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेरेशन कर सकते हैं, ऑब्वियस वो लोग जा सकते हैं। तो सन सेकंड हाउस का एस्ट्रोलॉजिकल वाइज ये सिम्टम्स रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं वास्तु के सिम्टम्स के ऊपर। तो जब भी वास्तु करते हैं तो वास्तु है वो घर के सेंटर पॉइंट से होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर का प्लॉट है और ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे जाकर आपको यहाँ से डायरेक्शन निकाल लेनी है कंपास रखकर। तो ये मैंने डायरेक्शन निकाल ली, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। अब ये सेकंड हाउस है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है ये वाले। तो यहाँ पर अगर सन सेकंड हाउस में होगा तो आपको ये डायरेक्शन में सन रिलेटेड चीज जरूर मिलेगी घर के सेंटर पॉइंट से। तो सन रिलेटेड चीज क्या होती है, तो ऑरेंज कलर होता है, डार्क रेड कलर होता है, यहाँ पर ऑरेंज कलर या डार्क रेड कलर हो सकता है। फिर यहाँ पर कॉपर रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। फिर यहाँ पर सेकंड हाउस में सन है, यहाँ पर सेकंड हाउस में सन है तो ये डायरेक्शन से आपको सनलाइट आती होगी, ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ से आपको सनलाइट आ सकती है। यहाँ पर आपके फादर होते हैं तो फादर रिलेटेड कोई चीज पड़ी होती है, क्योंकि सन यानी फादर, मून यानी मदर, तो फादर का रूम भी हो सकता है यहाँ पर। फिर फादर यहाँ पर बैठते हैं ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज सन रिलेटेड यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये सारे सिम्टम्स आपकी कुंडली में देखिए, अगर आपका सन है वो सेकंड हाउस में, या तो आप सीख रहे हैं तो आपके फैमिली में जिसका भी सन है वो सेकंड हाउस में, या आपके फ्रेंड्स में जिसका भी सन है वो सेकंड हाउस में, तो उनकी कुंडली चेक कीजिए, उसके बाद उसका वास्तु चेक कीजिए और मुझे बताइए कि ये सारे सिम्टम्स है वो लग रहे या नहीं लग रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। एक बार जरूर मेरी वेबसाइट विजिट करें virajvastuwala.com। थैंक यू।